हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय सरोज थालोर। और गुड इवनिंग। अभी शाम को के बज रखे हैं 5:30 और अभी मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिन में आज ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है और मेरी ठंड के मारे मेरे यहाँ में सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। तो अब मैं दिन भर सो रही थी और अभी ये मेरे पौधे में जान आ रही है और पौधे लगभग मेरे खत्म से हो चुके थे। अंदर से फूल दिया है इसने प्यारा सा। ये कुछ इसके पास में गले हुए फूल है, ये रोज दे रहा है आजकल तो फूल। तो ऐसे तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा। ओ, मेरा नेल पेंट ये फूल मैच। देखो यहाँ से कट गया पूरा पत्ता और मैं इसका ध्यान भी बहुत रखती हूँ फिर भी पता नहीं क्यों जल रहे हैं। जल गई है ये देखो। इस वाले रूम में मैं क्या है यहाँ बैठ के सब कुछ देखती रहती हूँ तो ये देखो बाहर से सब कुछ दिखता है। और सबको मैं आते जाते सबको देखती रहती हूँ इधर से। ये देखो बेचारी कहाँ पड़ी है, इसको कैसे कर रखा है बेचारी को। बैठाती हूँ आराम से, बैठो जानू यहाँ पे बैठ जाओ। इसमें मैंने पिंक कलर की लाइटें लगाई, अगर मैं इसमें व्हाइट लगाती तो प्यू प्यू प्यू। और इसके साथ दो बच्चे भी हैं इसके, कितने अच्छे अच्छे लगते हैं। टक 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 माँ के साथ चलते हैं ये आराम से। एक इधर हो जाता है, एक इधर हो जाता है, एक इधर हो जाता है, एक इधर हो जाता है। दो बच्चे हैं ये आराम से दोनों ऐसे घूमते रहते हैं टक टक टक। जी लगते हैं कितने क्यूट क्यूट लगते हैं ना, कितने प्यारे प्यारे लगते हैं बच्चे। अपनी माँ के साथ दोनों बच्चे कैसे, पता नहीं ये बाप है बच्चे हैं क्या है, लेकिन इनको देख के ऐसे लगता है कि ये माँ है और ये दोनों इसके बाबू है। सुबह से कपड़ों की हालत देखो, मैंने कपड़े यहाँ रख रखे हैं इतने सारे डिग लगा के क्योंकि सुखाने के लिए कोई जगह नहीं है इधर की साइड में। तो मैंने खूब सारे सुखा रखे, तीन तनिया ऊपर नीचे तीनों भर रखे, लेकिन और बहुत ऊपर बहुत तेज हवा चल रही है बहुत तेज। और मेरे को इस गर्मी में भी इतनी ठंड, मेरे को लग रहा है आज तो हमारा चूरू शिमला बना हुआ है। भूख भयंकर, मैं खा रही हूँ काजू। उस दिन की तरह वैसे गर्म करके खाती है। ठंड लग रही है तो मैं ये बनारसी जो दुपट्टा मोटा आता है ये वाला उड़ के आई हूँ ताकि मेरे को ठंड नहीं लगे। और ऊपर आसमान में इतने बादल भी नहीं है, फिर नीचे उठ रहे हैं लेकिन अभी ऐसे लग रहा है बारिश आएगी भयंकर वाली। नीचे से बादल उठते आ रहे हैं, नीचे से उठ रहे हैं बादल, पीछे से वो देखो। अभी कर रहा है चाय पीने का मन बहुत ज्यादा क्योंकि बाहर ठंड हो रही है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पी लूं। और आज मेरा वैसे भी बेला काम है, मेरे पास कोई इतना स्पेशल कोई काम नहीं है, आज दिन में एकदम से फ्री वाला है। तो मैं सोच रही हूं क्यों नहीं मेरी आईब्रो बना लूं, थोड़ी सी अपर लिप्स कर लूं और मेरा नेल पेंट है वो चेंज कर लेती हूँ क्योंकि ये कलर देख देख के मैं बोर हो गई हूँ। और मैंने सुबह से हेयर जो है उनमें कंघी नहीं की है, मेरे प्रॉब्लम है यार मेरे से कंघी नहीं होती है। तो मैं सोच रही हूँ अब कंघी कर लेती हूँ और मैंने ऐसे ही बटरफ्लाई डाल के, मैं सोची थोड़ा सा वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा तो मैंने ऐसे ही बटरफ्लाई डाला और ऐसे ही इसको ऊपर फोल्ड कर रखा है ऐसे ऐसे करके। और आज तो मैं हेयर खुले भी छोड़ सकती हूँ क्योंकि गर्मी नहीं है, आज तो जो है वो ठंड है। और मैंने उधर की साइड में वैक्स का इटर लगा रखा है मेरा
और अभी मैं वैक्सिंग करने वाली, वैक्सिंग नहीं सॉरी, वैक्स से अपर लिप्स करने वाली हूँ। अभी अपर लिप्स करूंगी। मेरी हेयर देखो रे बाबा, ऐसे कैसे हो रखे हैं ये बाहर हवा में गई ना, तो ऐसे उड़ उड़ के देखो मेरे हेयर कैसे हो गए। जो ये वाली स्टिक है इससे मैं करूंगी अपर लिप, इससे मैं आईब्रो भी। आज मैं आपको आईब्रो बताती हूँ, वैक्स से आईब्रो कैसे किए जाते हैं, वैक्सिंग से करते हैं आईब्रो। इनमें से कौन सी नेल पेंट लगाऊं? इनमें से तो मेरे को एक ही पसंद है, वो है ये वाली। ये मेरे को डार्क कलर अच्छा ही लगता है, देखती हूँ ये सही है या नहीं है। सही है तो एक तो मैं ये वाला अच्छा लगता है मेरे को, एक ये गोल्डन वाला भी अच्छा लगता है। इनमें तो मेरे को दो, चलो कोई ड्रेस पहने तो उसमें अच्छी लगती है, तो इनमें से मेरे को ये ज़्यादा मेरी फेवरेट इनमें से वो ये है। इसके कितने कलर मिलेंगे आपको? एक दो तीन चार, चार नेल पेंट्स है, नेल पेंट है वो एक कलर के है, और मेरे को ज़्यादातर यही चारों कलर अच्छे लगते हैं। और ये काई के कोई कैसे कोई टिशू नहीं है, तो इस टिशू से तो नेल पेंट रिमूव नहीं हो रहा है। वाला कलर ही लगाती है मेरे नेल पेंट, मैंने एकदम अच्छे से रिमूव कर लिया है, और अभी मैं ये वाला नेल पेंट लगाऊंगी। पी लेती हूँ चाय, और कुछ नहीं है, राज बना के ले आए चाय, ठंड के मौसम में चाय। आह मेरी ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक पे तो कर ही सकते हैं, इससे ऐसे लगेगा नेल आर्ट करवा के आई है। अच्छा लगा। वाला नहीं होता है क्या जिससे आईब्रो फिल करते हैं अपन, उससे मैंने क्या किया, यहाँ से एक ड्रॉ कर लिया ताकि मेरे को आईब्रो का पता लगे कि मेरा आईब्रो मेरे को किस तरीके से करना है। तो मैंने इस हिसाब से आईब्रो के एक मार्क बना के और इसके लाइन बना दी। अब मैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा बाल है वो वैक्सिंग से अभी निकाल लूंगी, जिससे ये ब्राजीलियन वैक्स है मेरी, जो मैं ये यूज में लेती हूँ। इसको मैं आईब्रो में यूज में लेती हूँ, अपर लिप्स में यूज में लेती हूँ, अंडरआर्म्स भी मैं इसी से कर देती हूँ। जैसे जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरे ड्रेसिंग के पास, मेरे पास ड्रेसिंग का जो एरिया है वो नहीं है अच्छे से, तो मैं यहाँ बैठ के वैक्स नहीं कर पाती हूँ, मेरे इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये पता नहीं कब जाके मेरी सॉल्व होगी। तो मैं ज्यादातर क्या करती हूँ, बेड पे बैठ जाती हूँ, पास में स्टूल रख लेती हूँ, और मेरे पास मिरर नहीं है, ये जो फाउंड फेस पाउडर वाला ही मिरर है, और अभी लॉकडाउन चल रहा है, मेरे को मिरर मिलेगा भी नहीं। इसमें कोई पट्टी नहीं, इसको लगाओ, इससे अपर लिप्स वगैरह है उसमें मेरे कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे करके दबाओ इसको, दबा के ऐसे पकड़ के यहाँ जीभ लगा लो ताकि टाइट हो जाए, ऐसे खींचेंगे तो जो भी। तो इसमें जितने भी बारीक बारीक जो बाल है वो भी ये ले आती है।
कितनी अच्छी सी शेप आई है, बहुत ही अच्छी शेप आई। और काफ़ी दिन तक मेरे क्या है कि आईब्रो भी नहीं आएंगे। और आईब्रो वैक्स से करो तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्किन लूज मत छोड़ना। ऊपर से क्या है कि अच्छे से खींच लेना ताकि आईब्रो में स्किन लूज नहीं रहे, उससे क्या है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया वैक्स से आईब्रो करते हुए, तो मेरे आदत में है, तो आप थोड़ी सी ध्यान से करना। और अपर लिप्स करो तो जीभ लगा के टाइट कर लेना ताकि अपनी जो स्किन है वो खिंचाव नहीं हो स्किन में। और कोई भी कोल्ड क्रीम हो घर में लेके अच्छी सी आईब्रो पर लिप्स के मसाज देना, और उसके बाद थोड़ी सी आइस लगा लेना ताकि आईब्रो और यहाँ थोड़ी सी ठंडक रहे तो अच्छा रहेगा। वैसे भी बर्फ़ लगाना बहुत अच्छा होता है। बर्फ़ रखने से बहुत अच्छा सा महसूस होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और पास में जो बेल आइकन बटन है उसको जरूर दबा देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। और लाइक तो बनता है भाई, हाँ, और कॉमेंट्स करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसे लगे। तब तक के लिए बाय बाय और गुड नाइट।